इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रस्तुत करता है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र हेतु कार्यक्रम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उभरती हुई चिंताएं कोर्स कोड बी ई वी शून्य शून्य एक इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं डॉक्टर दीक्षा दवे और डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उभरती हुई चिंताएं भारत में प्रतिवर्ष बासठ मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है यह माना जा रहा है कि 2030 तक ये बढ़कर एक मिलियन टन तक हो जाएगा बढ़ती हुई जनसंख्या उच्च आर्थिक विकास क्रय शक्ति में वृद्धि और बढ़ता उपभोक्तावाद ये कुछ ऐसे कारक हैं जो आज उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की भारी मात्रा के लिए जिम्मेदार हैं। न केवल ठोस कचरे की मात्रा बढ़ रही है बल्कि इसकी प्रकृति व विशेषताएं भी कुछ दशकों की तुलना में आज बहुत भिन्न है इसके मद्देनजर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की रणनीति भी "डाइल्यूट एंड डिस्पर्स यानी फेंको और नजरों से दूर करो से कंसंट्रेट और कंटेन यानी अपने आसपास सांद्र अवस्था में रखने की हो गई है 21वीं सदी में हम कचरा प्रबंधन के बजाय संसाधन प्रबंधन के बारे में बात करते हैं इसी विषय पर आगे चर्चा बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओपी शर्मा जी जो एन सी इग्नू के डायरेक्टर हैं सर का विज्ञान व पर्यावरण के विषय में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि शर्मा जी को तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है स्वागत है सर आपका बहुत 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 धन्यवाद दीक्षा जी सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि आखिर ठोस अपशिष्ट क्या है और उसका प्रबंधन क्यों आवश्यक है ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट के बारे में आजकल चर्चा करना बहुत आवश्यक बन गया है यह इनफैक्ट एक बड़ी समस्या भी बनता जा रहा है हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट का तात्पर्य उस ठोस कचरे से है जो कि हमारे घरों दफ्तरों उद्योगों या व्यावसायिक संस्थानों के इस्तेमाल करने के पश्चात बच जाता है। इसमें घरेलू कचरा सड़ी गली सब्जियां प्लास्टिक की बोतलें पॉलीथीन बेकार टायर टूटा फूटा फर्नीचर बेकार खिलौने खाली डिब्बे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब फल खाद्य सामग्री आदि आते हैं दरअसल ठोस अपशिष्ट की प्रकृति और उसके उत्पन्न होने वाले स्रोतों के आधार पर ठोस अपशिष्ट को मुख्यतः चार श्रेणियों में बांट सकते हैं ठोस अपशिष्ट का पहला प्रकार तो हमारे घरों दफ्तरों और बाजार आदि से निकलने वाला कूड़ा कचरा होता है जिसे नगरीय ठोस अपशिष्ट यानी म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं जिसमें सब्जियां बचे कुचे खाद्य पदार्थ दूध के पैकेट प्लास्टिक बोतलें कांच के टूटे फूटे पुराने सामान पुराने कागज और अखबार गत्ते के डिब्बे आदि आते हैं दूसरे प्रकार का ठोस अपशिष्ट होता है कृषि अपशिष्ट जिसे हम एग्रीकल्चर वेस्ट भी कहते हैं इसमें मुख्यतः खेतों में फसलों की कटाई से बचा हुआ अपशिष आता है जैसे कि फसलों के पत्ते सूखी टहनिया खराब बीज पशुओं का मलमूत्र बेकार फल सब्जियां आदि तीसरे प्रकार का ठोस अपशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसमें विभिन्न कल कारखानों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के अलावा अनेक प्रकार के हानिकारक रासायनिक पदार्थ व धात्विक वस्तुएं भी आती हैं। जैसे कि सीसा तावा लोहा आदि की वस्तुएं निर्माण क्षेत्र से निकलने वाला कूड़ा कचरा और मलबा भी इसी श्रेणी में आता है ठोस अपशिष्ट का चौथा प्रकार है बायोमेडिकल वेस्ट जो कि विभिन्न अस्पतालों नर्सिंग होम आदि से निकलता है इसमें चीड़ फाड़ का सामान इस्तेमाल की गई सिरिंज और सुइया दवाइयों की खाली बोतलें तथा इस्तेमाल की गई पट्टियां आदि आती हैं। ये हमारे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक भी होता है जैसा कि आपने कहा पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में विशेषकर हमारे देश में निकलने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा न केवल तेजी से बढ़ रही है बल्कि इसकी प्रकृति एवं विशेषताएं भी बदल रही हैं। विशेषकर शहरों में विकास के साथ साथ एक तरफ तो घरों में निकलने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी तरफ इतने सारे कूड़े को डालने की जगह कम होती जा रही है इस कूड़े का सही निपटान या सही प्रबंधन न होने के कारण कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। दरअसल निकलने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा बढ़ने के अलावा यह भी देखा जा रहा है कि इसकी प्रकृति और कंपोजिशन भी बदलता जा रहा है अब तो ठोस अपशिष्ट में प्लास्टिक और पॉलिथीन की मात्रा बहुत बढ़ रही है जो इस कचरे के निपटान में एक गंभीर समस्या का कारण भी बन रही है इसके अलावा शहरों से निकलने वाले ठोस कचरे में खराब ट्यूबलाइट सी एफ टीन के डिब्बे पैकेजिंग मटेरियल तथा काफी मात्रा में बेकार हो रहे कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप प्रिंटर आदि जैसा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी पैदा हो रहा है इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विषैले केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आदि पदार्थ भी इसमें मिलते जा रहे हैं जिसके कारण यह जहरीला भी हो रहा है ठोस कचरे के बदलते कंपोजिशन के कारण इसके सही निपटान एवं प्रबंधन में कई प्रकार की चुनौतियां भी आ रही हैं। यहाँ चिंता की बात यह है कि यदि समय रहते ठोस अपशिष्ट का सही प्रबंधन नहीं किया गया तो यह हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा अभी भी खतरे की घंटी तो बजी चुकी है इसका प्रभाव जल स्रोतों पर पशुओं आदि पर आसानी से देखा जा सकता है इसका इनडायरेक्ट प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है कूड़े कचरे का सही प्रबंधन नहीं होगा कूड़ा यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा कूड़े के ढेर खड़े होते जाएंगे और देश साफ सुथरा नहीं रहेगा इसका परिणाम ये होगा कि हमारा पर्यटन क्षेत्र भी प्रभावित होगा शर्मा जी वाकई में ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस तरह से जिस तेजी से हमारा कचरे की मात्रा बढ़ती जा रही है और जैसे उसका कंपोजिशन बदलता जा रहा है हम देखते हैं आसपास, जैसा कि आपने कूड़े के ढेर का जिक्र किया हम जहां तहां अभी भी देखते हैं सड़कों पर गलियों में आसपास के क्षेत्रों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कूड़े के ढेर मौजूद हैं न केवल प्लास्टिक का सामान बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी यदि हम बात करें तो उसका भी कई मात्रा में निकलना आज के समय में देखा जाता है जितनी बड़ी ये समस्या है उस आधार पर हमारे द्वारा क्या उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं क्या कारण है कि हम इस ठोस कचरे का समुचित प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं हाँ ये वाकई चिंता का विषय है वैसे तो सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के कई प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी मिलनी चाहिए ठोस अपशिष्ट पदार्थों का समुचित प्रबंधन न कर पाने के कई कारण हैं। इसका प्रमुख कारण है कि अभी भी बहुत से लोगों में ठोस कचरे से होने वाली समस्याओं और इसके प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में उचित जागरूकता नहीं है वे सोचते हैं कि उनके घर से कचरा निकल गया तो बस समस्या का हल हो गया जो लोग थोड़ा बहुत जानते भी है वे इसे गंभीरता से नहीं लेते पता नहीं क्यों वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी लापरवाही का परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकता है ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग हर तरह के कचरे को मिलाकर कूड़ेदान में डालने की प्रवृत्ति रखते हैं यानी गीले व सूखे कचरे को अलग अलग न डालना जब हर तरह का कचरा एक साथ मिलाकर फेंका जाता है तो कूड़े के प्रबंधन एवं निपटान में बाधा आती है इस संबंध में वैसे तो हमारी सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं परंतु मुझे लगता है कि इन प्रयासों को रिव्यू करने की आवश्यकता है और लोगों को विशेषकर घरेलू महिलाओं को सही तरह से गाइड करने की आवश्यकता भी है ताकि वे सूखा कचरा गीला कचरा और अन्य तरह का खतरनाक जो कचरा है उसको अलग अलग करके ही कूड़ेदान में डालें सही मायने में ठोस कचरे के प्रबंधन की जड़ हमारे आपके हाथ में ही है हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और अपने पर्यावरण एवं धरती की तरफ सचेत होना पड़ेगा हाँ शर्मा जी ये बिल्कुल ठीक कहा आपने जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे और हम अपने व्यवहार में चेंज नहीं लाएंगे तब तक शायद ठोस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन केवल सरकार या गैर सरकारी संस्थाओं पर छोड़ देने से हमारा दायित्व पूरा नहीं होगा और ये भी बात सही है कि कचरा प्रबंधन में कई तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं कचरा उत्पन्न करने वाला कचरा बीनने वाला उसके अलावा जो डीलर है जो रिसाइकलर है और इसके साथ ही सरकार की जो पॉलिसीज हैं सभी जिम्मेदार होती हैं। आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे लर्नर्स को दी है और अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो लर्नर्स हैं वो किस प्रकार अपना रोल प्रबंधन में दे सकते हैं हाँ ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए यदि हम अपने लर्नर्स को भी इस कचरा प्रबंधन में उपयोग करें उनकी योग्यता का उनके समय का उपयोग करें तो ये बहुत कामयाब हो सकता है उनकी भूमिका अहम भूमिका हो सकती है सबसे बड़ी भूमिका तो यह हो सकती है कि वे अपने आसपास सबसे से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करें और उन्हें कचरे के सही प्रबंधन में उनकी भूमिका से अवगत कराएं जब जनसाधारण इस समस्या के बारे में सजग होगा जागरूक होगा तो वह इसके समाधान के बारे में चिंतित होगा और उचित योगदान देगा सबसे पहले तो लोगों में घरेलू कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर कर नगर पालिका को देने के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है उनको प्रेरित करने की जरूरत है उनको जागरूक करने की जरूरत है यदि एक बार उनका माइंडसेट इस तरह बदल गया तो मान लीजिए कि आधी समस्या का हल हो जाएगा हमारे लर्नर्स के लिए एक दूसरा योगदान उनकी तरफ से यह हो सकता है कि कचरा प्रबंधन के फाइव आर वाले सिद्धांत को यदि वे खुद अपनाएं और जनसाधारण को अपनाने के लिए प्रेरित करें तो बहुत अच्छा रहेगा इस फाइव आर के अनुसार हम जो बात करते हैं सबसे पहले हम रिफ्यूज की बात करते हैं रिफ्यूज का मतलब है कि यदि हमें किसी पदार्थ की किसी ऐसे जैसे कि अगर हम बाजार जा रहे हैं वहां हमें कोई पॉलिथीन में कोई सामान दे रहा है तो हम ये कहना सीखें कि नहीं मुझे पॉलिथीन नहीं चाहिए रिफ्यूज करना सीखें बिल्कुल और दूसरा हम ये बात करें कि जो हमारे पास चीजें हैं उनको रीयूज करें रीयूज करने के लिए भी बहुत जरूरी है कई बार हमारे घर में अगर कोई बोतल है किसी तरीके से उसको बजाय के फेंकने के कहीं हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और फर्नीचर आइटम है जिसको हम नॉर्मली फेंक देते हैं यदि उसको फेंके नहीं उसको मरम्मत करा करके ठीक से हम रीयूज कर लें तो वो हमें दूसरा रीयूज का काम हमें करना चाहिए कई मामलों में हम रिसाइकिल की भी बात करते हैं रिसाइकिल एक ऐसा एक पहलू है जिसको इस्तेमाल करने से हम अपने पर्यावरण को और इस ठोस अपशिष्ट वाली जो बढ़ती समस्या है उसको कम करने में मददगार हो सकते हैं जैसे कि कपड़े अगर फट जाते हैं तो उसके अगर हम थैले बना लें तो एक तरीके से उसका हमने रीयूज कर लिया और तीसरा हम जो बात करते हैं वो रिसाइकिल की बात करते हैं रिसाइकिल में भी इस तरीके से बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और वो रिसाइकिल करेंगे तो वो वेस्ट के रूप में बाहर नहीं जाएंगे और चौथा एक तरीका होता है जो रिड्यूस करने का यदि हम सोच लें कि इस तरीके का जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको अगर हम रिड्यूस ही कर दें ऑन दिस सोर्स अगर कम पैदा करें जो इस तरीके के इस्तेमाल चीजें कर रहे हैं उनको हम कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो एक तरीके से वेस्ट का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा और पांचवा जिसके बारे में चर्चा होती है या तो हम उसको कहें कि रिप्रोड्यूस करना है रीप्रोसेस करना है या कई बार हम कहते हैं कि रॉट जैसे कोई चीजें सड़ा गला दो और उसको कहीं इस्तेमाल कर लो इस तरीके से अगर हम फाइव आर्स के बारे में अपने लर्नर्स को कहें और फिर वो जनता को कहें आम आदमी को कहें तो मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ा योगदान हो सकता है हमारे लर्नर्स का इस ठोस अपसिस्ट को सही तरीके से प्रबंधन करने के लिए यहां मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित एक ऐसी स्थिति का आप सोचिए जहाँ हमें कूड़ा निकले ही नहीं जैसे हम बात करते हैं कि जीरो वेस्ट कॉलोनी की बात करें बिल्कुल जीरो वेस्ट कॉलोनी का मतलब है कि एक ऐसी कॉलोनी जहाँ से कि हम उस गेट से बाहर कोई वेस्ट निकल ही नहीं पाए

सोर्स पर ही सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग कर दें उसे हम जो गीला कचरा है उसको एक अलग तरीके से देते दे। हैं, और उस गीले कचरे को कॉलोनी वाले मिलकर के अगर हम एक कंपोस्टिंग में या वर्मिंग कंपोस्टिंग के द्वारा उसको इस्तेमाल करें और खाद बना दें तो वो जो वेस्ट जनरेट हो रहा था गीले कचरे वाला वो एक तरीके से एक रिसोर्स में जनरेट हो गया इसी तरीके से अगर हम सॉलिड वेस्ट को दूसरा सॉलिड वेस्ट जैसे ड्राई वेस्ट है प्लास्टिक की बोतल है पॉलिथीन है उनको भी हम अलग करके रखें और सभी घरों से अलग अलग करके एक जगह इकट्ठा कर ले अगर कॉलोनी में और फिर एक हफ्ते के अंत पे या महीने के अंत पे उसको कबाड़ी को बुला करके दे दें तो क्या होगा उससे पैसा आएगा या तो वो व्यक्तिगत घर वालों को पैसा चला सकता है नहीं तो वो कॉलोनी के रिसोर्सेज में भी शामिल हो सकता है इसी तरीके से मान लो पुराने अखबार हैं या कागज हैं पैकेजिंग मटेरियल है या हम कहें कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आजकल निकलता है अगर उसको भी हम एक कंबाइंड तरीके से कलेक्टिव तरीके से इकट्ठा करें और उसको कवाड़ी को दें हम तो आप देखिए कुल मिलाकर के अब हमारे पास में वहां वेस्ट रहा कहाँ से अब बाहर ले जाने के लिए म्यूनिसिपलिटी को देने के लिए हमारे पास कोई वेस्ट नहीं रहा इस तरीके से अगर हम ऐसी कल्पना करें कि जीरो वेस्ट कॉलोनी की बात करें इनफेक्ट मैं कहूंगा जीरो वेस्ट हाउस होल्ड की भी बात कर सकते हैं हाउस की भी बात कर, कर दे सकते दे हैं कि बहुत से ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं जहां पे की महिलाएं इतने अच्छे तरीके से अपने घर के कचरे को प्रबंधित करती है कि वहां से कचरा निकलता ही नहीं है जो निकलता है वो ऐसा निकलता है जो एक रिसोर्स के रूप में जाता है चाहे वो कबाड़ी को देंगे तो उसमें पैसा आएगा जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे वो घर में ही खाद बना लेते हैं और अपने घर की जो बागवानी है उसमें इस्तेमाल करते हैं तो यदि इस तरीके से हम जीरो बेस घर की या जीरो बेस कॉलोनी की या अगर जैसे हम अपने यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी में कहें कि जीरो बेस कैंपस की बात करें हैं हम तो इस तरीके की कल्पना करते हैं और उसको साकार करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो एक हमारी समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो सकता है और इसमें हमारे जो लर्नर्स है हमारे जो विद्यार्थी है वो बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं और हम इस मॉडल को उनके माध्यम से अलग अलग जगहों पर हमारे विद्यार्थी तो हम जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर पूरे देश में फैले हुए हैं यदि वो अपने अपने एरिया में इसको एक मॉडल के रूप में इस्तेमाल करें और वहां ये बना दें तो देखिए कि किस तरीके से हमारी जो ठोस प्रबंधन की समस्या एक हल हो जाती है तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ करेंगे तो काफी चर्च पे हम पढ़ते हैं कई बार ये देखा जाता है कि जीरो वेस्ट वेडिंग आजकल हो रही है जिसमें शादियों में जो सारा खर्चा होता है एक दो उदाहरण ऐसे भी देखने को मिले हैं जिसमें कोई कचरा हुआ ही नहीं मतलब कोई प्लास्टिक डिस्पोजेबल चीज उन्होंने यूज करी नहीं डेकोरेशन में नहीं किया तो इस तरह से हम कई इनिशियटिव लेकर और जैसा आप बता रहे हैं कि एक मॉडल जैसा प्रेजेंट करके हम सोसाइटी में एक उदाहरण दे सकते हैं कि यह भी संभव है कि जीरो वेस्ट कॉलोनी है जीरो वेस्ट हाउस होल्ड है और जीरो वेस्ट इंस्टीट्यूशन है तो यह बहुत सकारात्मक कार्य हमारे द्वारा किया जा सकता है हाँ बिल्कुल सही है इस तरीके के बहुत लोग सचेत हो रहे हैं वो इसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है सभी लोग हम आप और बाकी लोग भी अगर इस तरीके से सजग हो जाएं सचेत हो जाएं अपने पर्यावरण के प्रति अपने स्वास्थ्य के प्रति अपने समाज के प्रति अपने देश के प्रति तो ये समस्या का समाधान कोई मुश्किल नहीं है हम लोग मिल कर के कर सकते हैं थैंक यू शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे लर्नर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उभरती हुई चिंताएं इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे डॉक्टर दीक्षा दवे और ओम प्रकाश शर्मा विषय समन्वयन डॉक्टर दीक्षा दवे का था धनांकन आरती कौर होलुका और प्रस्तुति थी डॉक्टर जेवा खान की ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के संचार केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया